हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया सिग्नेचर डिशेस। आज आपके साथ गोंगूरा यानी पिटवा के पानों की जो चटनी बनाई जाती है वो शेयर कर रही हूँ। इसको अनेक प्रदेशों में गोंगूरा कहा जाता है, हिंदी में पिटवा बोलते हैं, मराठी में आंबाड़ियाची भाजी बोलते हैं। इसके डंठल रेड कलर के होते हैं और ये खट्टा होता है और लीव्स ऐसे तिकोने शेप के होते हैं। इसके पानों में फोलेट भारी मात्रा में पाया जाता है, विटामिन B6 का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके पत्तों में आयरन, विटामिन सी, फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। उसी के साथ इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, जिंक और विटामिन ए, राइबोफ्लेविन भी पाया जाता है। ये 10 दिनों तक फ्रिज में टिका जा सकता है और 3 दिनों तक हम इसको ऊपर रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी। अभी यहाँ पे मैंने ये गोंगूरा यानी पिटवा की सब्जी ली है, वो एक बोल फुल ली है और इसको अच्छी तरह से धोने के बाद इसको कट ना कीजिए, क्योंकि कट करने के बाद ये बहुत स्टिकी हो जाता है। उसी के साथ इसमें रोस्टेड सेंगदाना का पाउडर डाला है और उसी के साथ यहाँ पे मैंने तिल जो रोस्ट करके उसका पाउडर करके लिया है। तो ये तिल और सिंगदाना दोनों को हमें अच्छी तरह से रोस्ट करके बाद में इसका पाउडर करना है। उसी के साथ 7 से 8 यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियाँ और 3 से 4 मिर्ची और 1 टीस्पून जीरा लिया है। एक कढ़ाई में हमें एक बड़ा चमचा तेल लेना है, उसमें जीरा डालना है। जीरा चटक जाने के बाद उसमें डालेंगे हरी मिर्चियाँ और लहसुन की कलियाँ। इसको 1 मिनट तक हमें सौते करना है और तुरंत उसमें डाल देने हैं पिटवे के पत्ते। याद रखिए, पिटवे के पत्तों को कट ना करें, नहीं तो ये बहुत स्टिकी हो जाते हैं। और ये 2 ही मिनटों में देखिए, ये ऐसे मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करते करते इसका वॉल्यूम बहुत जल्दी ही कम हो जाता है। 2 से 3 मिनटों में ये अच्छी तरह से पक जाता है। तो देखिए, ये फुल ब्राउनिश कलर ले चुका है, यानी ये अभी ये मिश्रण ठंडा हो जाने के बाद इसको मिक्सी में डाले। उसी के साथ इसमें सिंगदाने की पाउडर, तिल की पाउडर और उसी के साथ 1 टेबलस्पून गुड़ डाले और उसमें सॉल्ट डाले। सॉल्ट डालने के बाद इसमें पानी थोड़ा भी ना डाले। ग्राइंड करने के बाद अगर आपको ये थोड़ा ड्राई लगे तो 2 टीस्पून पानी डाले। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पिटवे के पत्तों की जो गुणकारी चटनी है वो रेडी है। ये खासकर ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी के साथ खाते हैं। आप इसको चपाती के साथ भी आराम से खा सकते हैं। ये ऊपर 2 से 3 दिनों तक चल जाती है और फ्रिज में ये 10 दिनों तक टिकी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये अनोखी चटनी कैसी लगी अवश्य मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में और मेरे चैनल सोनिया सिग्नेचर डिशेस को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।